हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाभि बटन का बाहर आना क्या संकेत देता है कई महिलाओं की प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा नाभि बटन बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है और कई महिलाओं की अंदर ही रहती है ऐसा क्यों होता है क्या रीज़न है क्या ये सिम्टम बेबी बॉय या बेबी गर्ल को प्रिटिक्ट करते हैं तो इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है आज की वीडियो जिन जिन महिलाओं के मन में ये क्वेश्चन है कि मेरी नापी बटन अंदर है तो क्या मेरे लड़की होगी उनको इस वीडियो के थ्रू अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा चैनल बने हो ना पहले प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत ज़्यादा मुझको मोटिवेशन मिलता है आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को जब देखें ना तो तुरंत इसको लाइक कर दें क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना सच में मुझे ये लगता है कि शायद आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई है और आपके सभी मन के जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब आपको मिल चुके हैं तो नाभि बटन आखिरकार प्रेगनेंसी जर्नी में क्यों बाहर आती है और कब आती है आपने देखा होगा एक से लेकर तीन महीने के टाइम पीरियड पे जैसे नाभि बटन होती है वैसे ही रहती है नाभि बटन का बाहर आना कब होता है कौन से महीने में होता है तो ये सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है और जो लास्ट सेमेस्टर होता है यानी कि सातवाँ आठवां नौवाँ महीना इन तीन महीनों में नाभि बटन काफ़ी हद तक बाहर आना शुरू हो जाता है वो क्यों होता है क्योंकि बच्चा पेट में धीरे धीरे ग्रो करता है और जब बच्चे का प्रेशर पड़ता है आगे की ओर तो उससे नाभि बटन हमारा आगे की ओर निकल जाता है आपने बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को देखा होगा कि उनके नाभि बटन बहुत हद तक बाहर की ओर होता है और कई महिलाओं का बहुत हद तक अंदर की ओर धुसी होती है बिल्कुल भी बाहर बटन वो नहीं दिखता ऐसा क्यों होता है तो पहले तो मैं क्लियर कर दू कि अंदर होना या बाहर की ओर होना लड़का लड़की को प्रिटिक्ट नहीं करता ये होता क्यों है अगर आपकी नाभी बटन पहले से ही प्रेगनेंसी के पहले से ही बहुत ज्यादा बाहर की ओर है क्योंकि देखा होगा आपने कई महिलाओं की कई ऐसे लड़कों की भी नाभी बटन बहुत ज्यादा पहले से ही बाहर की ओर होती है है ना उसी तरीके से महिलाओं में भी अगर नाभी बटन पहले से ही बाहर है तो गर्भ अवस्था में भी जब बच्चे का प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या होती है मांसपेशी है ना खिंचाव पड़ता है जिससे कि हमारा जो नाभी बटन है ना वो बाहर की ओर निकल आती है अब जिन महिलाओं की बहुत अंदर की ओर होती है तो जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है और लास्ट सेमेस्टर आता है तो सिर्फ उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो बहुत बहुत रेयर ही है बहुत हल्का सा ही वो नापी बटन बाहर आता है वो अंदर की ओर ही रहता है क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी ही वो अंदर की ओर घुसी हुई है तो वो बाहर नहीं आती है तो उससे लड़का या लड़की हम नहीं जान सकते क्योंकि साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है सिर्फ ये लोगों की बनाई हुई मिथ है और इन मिथ में ना बहुत सारी महिलाएं ट्रस्ट करती हैं और इनकी ये सारी वीडियोस से देखकर बहुत सारे मन में ना टेंशन लेती हैं या कोई भी सोचती रहती हैं तो सोचना टेंशन लेना गलत है गर्भावस्था की जर्नी में आप बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाओ इसे लड़का लड़की नहीं जान सकते ये तो नेचुरल है नॉर्मल सी बात है अगर पहले से ही बाहर है तो जब बच्चा ऑपेसी बात है पेट में बड़ा होगा पेट बाहर की ओर निकलेगा तो वो से बात है बहुत ज़्यादा बाहर वो नापी बटन अगर पहले से ही बहुत ज्यादा अंदर की ओर धंसी हुई है तो चाहे प्रेगनेंसी कंसीव हो लास्ट मिस्टर हो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी क्योंकि अंदर वो पहले से ही आपकी घुसी हुई है मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे नापी बटन बिल्कुल भी बाहर नहीं आया था क्योंकि मेरी नापी पहले से ही बहुत ज़्यादा अंदर की ओर घुसी हुई थी तो जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई लास्ट मिस्टर आया तो मेरी नापी में कोई भी बदलाव नहीं आया हल्का सा खिंचाव जरूर था क्योंकि मांसपेशा खिंच जाती हैं जब बच्चा बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है बाहर की ओर निकलना इन द सेंस पेट जब बाहर की ओर निकल जाता है जिसे बोला जाता है बेबी बम जब वो बाहर की ओर निकल जाता है तब अपना नाभी बटन का जो आकार होता है वो बाहर की ओर आ जाता है कईयों का खिंचाव में बिल्कुल भी नजर नहीं आता कईयों का बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर की ओर होता है क्योंकि नाभि बटन ऑलरेडी उनकी पहले से ही बाहर की ओर उभरी हुई है ठीक है तो ये सिर्फ फर्क होता है इसे लड़का लड़की हम प्रिटिक्ट नहीं कर सकते अब मेरी नाभि बटन तो अंदर की ओर थी मेरे तो बेटे हुए हैं दोनों ही प्रेगनेंसी में और ऐसा बोला जाता है जिनका अंदर की ओर होती है ना उनको बेटी होती है तो कितना सच है इस बात में क्योंकि मैं देखिए जब किसी के साथ कोई चीज़ सच

तो लड़की होती है कितना सच है तो देखिए ये बात मैं आपको आ, क्लियर करना चाहूंगी देखिए नाभि लाइन एक्चुअल में सीधी और टेढ़ी होती क्यों है इसका भी प्रेगनेंसी से पहले से ही ताल्लुक है देखिए प्रेगनेंसी से पहले अगर नाभि लाइन आपकी टेढ़ी है तो वो गर्भ अवस्था में भी टेढ़ी रहेगी अगर प्रेगनेंसी से पहले वो सीधी है तो गर्भ अवस्था में भी वो सीधी रहेगी अब वो हल्की और डार्क क्यों होती है गर्भ अवस्था में बहुत सारे हारमोन्स में बदलाव होता है उन्हीं में से एक बदलाव है हारमोन्स का मिलने नाम का अगर प्रेगनेंसी में मिलन नाम के हारमोन की मात्रा बढ़ जाती है तो डार्क दिखना शुरू हो जाती है वो लाइन आपके एल्बो डार्क हो जाएंगे आपके घुटने डार्क हो जाएंगे गर्दन डार्क होना शुरू हो जाएगी निपल्स तनों के निपल्स भी डार्क होना शुरू हो जाएंगे तो ये सिर्फ मिलने नाम के हार्मोन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाने कारण होती है लड़का या लड़की ये डेरिकेट नहीं करता है ठीक है तो ये सब भी जो बहुत सारी मिथ है कि अगर सीधी है तो लड़का है टेढ़ी है तो लड़की है वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले आपकी नाभी लाइन सीधी है या टेढ़ी है क्योंकि सबके वो नाबी लाइन होती है लड़का या लड़की कोई भी हो नाबी लाइन हल्की सी होती है जो गर्भावस्था में डार्क इसलिए होती है वो डिपेंड करता है मिले नाम की हार्मोन की मात्रा आपकी बॉडी में कितनी है ठीक है आपने देखा होगा जो साउथ के लोग होते हैं उनके बहुत ज़्यादा उनके अंदर मिले नाम के हार्मोन की मात्रा होती है जिस करके उनका कलर भी काला होता है तो उस सिर्फ क्या हमें पता लगता है कि उनके अंदर मिलन नाम हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है लड़का लड़की से बिल्कुल भी मत आजमाएं सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करें हेल्दी फूड खाएं ताकि बच्चा हेल्दी हो नॉर्मल डिलीवरी हो और इसके साथ साथ आप खुद ही चाहेंगे देखिए कि मेरा बच्चे कोई प्रॉब्लम ना हो हेल्थ के लिए प्रे करिए कि बच्चे की हेल्थ अच्छी हो हेल्दी जब वेल्थ बच्चा हेल्दी रहेगा तो माँ बाप को किसी भी टेंशन या कोई भी मन में गलत भावना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चा अगर हेल्दी नहीं होता तो माँ बाप के लिए वो जिंदगी भर की टेंशन हो जाती है क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं देख सकता मेरे बच्चे कोई भी प्रॉब्लम तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होगी नाभि बटन का बाहर आना या अंदर आना क्या संकेत देता है चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए भी टेक केयर बाय बाय